हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल पुरी, मदर ऑफ राघव पुरी, स्टडिंग इन थर्ड स्टैंडर्ड इन APS. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दिस स्टाफ मेंबर्स ऑफ APS फैमिली. देयर वर्क इज़ रियली अमेजिंग. दे ऑल द टीचर्स आर कोऑपरेटिंग विद पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, एंड दे ऑल्सो क्लियर ऑल द डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू वर्चुअल मीटिंग्स in this pandemic period of COVID. They have also conduct the PTMs in this time. We get each type of support from them, like स्टूडेंट्स का पेरेंट्स टीचर मीट होना और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का पता लगना और बच्चों का मंथली चेक देखना कि जैसे वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनकी नोटबुक्स चेक होना, डेली टेस्ट कंडक्ट होना. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी APS फैमिली. देयर वर्क इज रियली अमेजिंग. हाई, करंटली माई टू वार्ड्स आर स्टडिंग इन अग्रसेन पब्लिक स्कूल. During these tough and unusual times of COVID-19, when all the kids are locked up in the house and are forced to take their studies as well from home only, I must say that APS has done a great job in maintaining interest as well as motivation in students to keep learning. APS could achieve that by introducing new approaches and activities in the class. They carry out fun activities in the class at regular intervals, which I must say that students love doing. APS also celebrate all the important days and festival, which is very essential in developing a sense of belongingness with their culture and the nation at an early age. I wish all the very best to all the students, teachers and APS family. Thank you so much. Namaskar, mera naam Rajesh Kumar Bhardwaj hai. Mitro, jaisa ki hum sab ka ek ichha hoti hai, hum sab ke एक मनोकामना होते कि हमारे बच्चे किसी एक ऐसे विद्यालय में, एक ऐसे विद्यालय के प्रांगण में पढ़े जहां बच्चे की मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास हो. मेरे दो बच्चे अग्रसेन पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से. हमने देखा कि अग्रसेन पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो उनका हार्ड वर्कर जो स्टाफ है, उन्होंने इतने सुनियोजित तरीके से हमारे बच्चों की पढ़ाई करवाई जिससे हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास हुआ. और उन्होंने ऑनलाइन क्लासों में भी एक ऐसा माहौल बनाया कि जैसे ऑफलाइन जैसा ही उनको पढ़ाई होती है. और ख़ासकर मेरा बेटा जब अथर्व जो थर्ड सी में पढ़ता है, मैं स्पेशली उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं इतना हार्ड वर्क करते हैं, टीचर्स व्हाट्सएप से चेकिंग करना और मंथली पेरेंट्स मीटिंग करना, और अगर कि बच्चा किस दिन क्लास नहीं लगाता तो उसकी उसकी जांच करना, हमसे बातचीत करना कि भी क्यों नहीं आई, हर चीज़ में हमारे हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे वो क्लास में ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ही पढ़ाई हो रही है. और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो स्टाफ है वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, और स्टाफ और मैनेजमेंट के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं. जय हिंद, जय भारत. क्लास थर्ड ए कीरत शर्मा, मैं उसकी बुआ बोल रही हूँ, कि ऑनलाइन परफॉर्मेंस बच्चों की जो है आपको भी पता है बेटर है. जो स्कूल में ज़्यादा सीख सकते हैं बच्चे वो ऑनलाइन नहीं कर पाते. ठीक है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से आप क्लास लगा रहे हो और बच्चे बहुत कुछ गेन भी करते हैं, साथ में पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चे क्लास में किस तरह से कर रहे हैं. ऑल एंड गुड कि टाइम से कीरत तो अपनी क्लास लगाती है, 10 o'clock से पहले रेडी होकर बैठती है, सभी क्लास अटेंड करती है और उसको क्रेज भी होता है कि अपनी क्लास लगानी है. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आई एम रिया, एल्डर सिस्टर ऑफ रुद्रव गोयल. इट्स माय इमेंस प्लेजर टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर थैंकिंग द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ अग्रसेन पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र फॉर देयर कमेंडेबल एफर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पेशेंस टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वर्चुअल क्लासेस अप्रोच. As in this difficult time of COVID pandemic, this is really important to maintain the decorum in the studies and education system. So I am really glad that my brother is in such a good institution. So I really would like to appreciate all the innovative ideas which not only helped to draw children attention but also made learning more enjoyable and more approachable basically for them. And all the teachers have been so patient and friendly during the virtual classes, which has clearly helped children
to improve their skills, to improve their learning. So my brother has really enhanced his personality, like speaking skills and more confident, I think. And obviously academically, they are not even degraded. I think they are upgraded in the same manner as offline classes. So this is what Agarsen Public School Kurukshetra is for us, a happy school for happy children. Thank you so much. Hello everyone. I am Naman Mittal's father. I would like to thank APS school teacher for providing continuous quality education to the students during the challenging time of COVID. School teachers took active participation in the online classes. They were also very cooperative in answering students' query during the online classes, even after the school's time also. School management also did their best in managing all the activities related to the online classes. All the activities which were to be conducted in offline mode are also very well conducted in the online mode also. I would like to thank them again for providing continuous support to the parents and children in these challenging times. Thank you. Everyone, my name is Shweta Gupta, mother of Kanika Gupta, which is studying in APS school in third class. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 साल हो गए हैं कोविड को चलते हुए और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो स्टार्टिंग में स्कूल बंद हो गई, हमें लगता था कि बच्चे का फ्यूचर कैसे बनेगा, वो उनका बेस कैसे बनेगा। फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो ऑनलाइन क्लास सुनते ही हमें डर लगने लगा कि ऑनलाइन क्लासेज जा रहे बच्चे की तो आईसाइट ही वीक हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ कैसे होगी। फिर जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो इनकी मैम ने स्टार्टिंग से ही इन्हें सीटिंग पोजीशन के बारे में बताया कि आपको कैसे अटेंड करनी है ऑनलाइन क्लासेज लैपटॉप पे। इन्हें बताया कि आपको मोबाइल से दूर रहना है, सिर्फ क्लास के टाइम ही आपको लैपटॉप वगैरह यूज करना है, अदरवाइज़ नहीं। बच्चे उनकी बात मानने लगे, इनके सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से लगने लगे, जैसे आमने सामने बात होती है ऐसे ही इनकी क्लासेज लगने लगी। तो बच्चे अच्छी तरह उसको अटेंड करने लगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है स्कूल के थ्रू, म्यूजिक, डांस, योगा, और जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो वो भी एक्टिविटी फादर डे मदर डे ने कराया जाता है, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और हमने भी इन्हें खूब इन्जॉय किया। बच्चे सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों को अब बहुत मज़ा आ रहा है और हमें भी साथ में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। माय डॉटर भव्या हैज बीन स्टडिंग इन अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इट इज रियली इंस्पायरिंग टू सी द होल हार्ट एफर्ट्स ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स दैट ग्रूम द चिल्ड्रन फ्रॉम हेड टू टॉप। इन स्पाइट ऑफ कोविड आउटब्रेक they have managed to shine well. Celebration like Deepavali, Ganatantra Divas, Vasant Panchami etc. were online, yet they tend to introduce positive changes in the behavior of children along with development of team man spirit. Teachers' efforts make fuel to progress of the children. School does not only improve the studious behavior of the child, but also helps in developing overall personality of the child, thus enhancing general aptitude as well. In the nutshell, I must say that studying in your prestigious institute, one will definitely get success in every walk of their life. Thank you. Hi, I am Shivani. I am Vihan's sister. He currently studies in third class, section A in Agarsen Public School. As we know, because of the pandemic, COVID-19 still going on, the mode of school education was mostly online this year as well. However, we cannot say that it led to any sort of bad effect on the students' studies. The online classes are running smoothly, all thanks to the teachers of the Agarsen Public School who are very hardworking and supporting. As I am in charge of Vihan's study at home, I see how patient are teachers in dealing with students in online classes when the students ask all sort of questions from logical to sometimes just for fun questions. Any sort of doubt a student may have is also entertained by the teachers. All the subject teachers are in direct contact with the parents through WhatsApp and calls. The homework is sent regularly and is also checked for mistakes. In addition to the online classes through Google Meet, teachers also upload videos of their respective subjects on their YouTube channel. The worksheets, revision assessments, periodic assessments, all are done online. All the teachers of Agarsen Public School are putting their maximum effort so that not only academic but extracurricular activities are not compromised in any way.
the art and craft work, dance, music and yoga are still taught to all the students. Computer lab work is also done along with the theory. Parent-teacher meeting is also held time to time, even though we can contact the teachers anytime we want for our queries. All the festivals, whether religious ones like Janmashtami or the ones with international importance such as Republic Day and Independence Day are also celebrated with great enthusiasm. Students are also told about the importance of these festivals and such important days. Students are asked to make videos of whether dancing or singing a song or reciting a poem, etc. on such occasions. Through these things, the creative side of students is explored very well. It is really appreciable what the school administration and the teachers are doing so that everything goes on smoothly without affecting any part of students' life. I sincerely want to thank all the teachers of Ferguson Public School. Because of their hard work, the studies are going on in a fantastic manner. Thank you. Hello everyone. Myself Shivani Mittal. Meri beti Navya Mittal, class 3rd E mein padhti hai. और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और आई एम प्राउड ऑफ यू कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है इस स्कूल में डालने के बाद. अब COVID-19 था, COVID-19 में बच्चों के स्टडी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था पेरेंट्स को, कि भी टीचर्स भी और पेरेंट्स भी स्ट्रेस ले रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई अब कैसे होगी. तो ऑनलाइन क्लास शुरू की गई. ऑनलाइन क्लास में बच्चों को लिया और पहले बच्चों को सिखाया कि ऑनलाइन क्लास कैसी होती है और क्या होती है. उन्होंने ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ग्रुप बनाया और बच्चों को सेंड किया. गूगल मीट पे आईडी बनानी सिखाई, बच्चों को फेस टू फेस बात करना सिखाया, म्यूट ऑन ऑफ करना सिखाया. ऑनलाइन क्लास में भी टीचर्स बच्चों को ऐसी अटेंड करती हैं जैसे कि स्कूल में कर रहे हो. लग ही नहीं रहा था कि स्कूल है या ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा था कि हमें क्या से क्या करना है. बच्चों की हर एक पढ़ाई में, हर एक लेसन में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो भेजी, होमवर्क सेंड किया, होमवर्क बच्चों का अपने पास सेंड करवाया, चेकिंग की. छोटी से छोटी गलतियों को भी मैडम ने एक्सप्लेन करके दोबारा सेंड करने को कहा. टीचर्स मतलब इतनी हेल्प कर रही हैं बच्चों की कि बच्चों को ये लगे ही ना कि हम पढ़ नहीं रहे हैं. बच्चों की हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान दिया गया, बच्चों की हर रीज़न को समझा गया. अगर उन्हें कोई किसी को बीमार है या किसी चीज़ के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो टीचर्स ने उनको भी हेल्प की और ये सिखाया कि हमें कैसे मास्क लगाना है, कैसे हैंड वॉश करना है, कहीं जाना है तो हमें मास्क लगा के जाना है और किसी को टच नहीं करना है. बच्चों को ये एक्सप्लेन किया. हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे. बच्चों को बहुत खुशी हुई कि हम कुछ सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में भी और हमें मैडम समझ रही है. मैं ये कहती हूँ कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों को आगे सफल बनाने के लिए, कि उनकी पढ़ाई रुके ना, आगे से आगे चलती रहे. नमस्कार, मैं शैलजा सैनी, रिधिमा सैनी की मदर, और जो अग्रसेन स्कूल के टीचर्स का कोऑर्डिनेशन इस लॉकडाउन पीरियड में रहा बहुत अच्छा रहा है. उनके पढ़ाने का तरीका, उनका स्टूडेंट को समझाने का तरीका बहुत अच्छा रहा है और समय से सभी काम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में मिलता रहा है, जिसको बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, वह पूरी तरह से कर रहे हैं. ये जो अग्रसेन पब्लिक स्कूल का सारा स्टाफ है, बातचीत का तरीका रहता है बच्चे को समझाने का, वो बहुत बढ़िया है, जिससे बच्चा अच्छे से समझ सकता है. धन्यवाद. हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी गोयल. मेरी गुड़िया पाखी गोयल अग्रसेन पब्लिक स्कूल में क्लास 3rd में पढ़ती है. मैं आप सबके सामने अपना अग्रसेन पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस, जो मेरा रहा ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, शेयर करना चाहती हूँ. अग्रसेन पब्लिक स्कूल में हमें ड्यूरिंग द कोविड पीरियड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज अग्रसेन पब्लिक स्कूल होल्ड ईच एंड एवरी डे ऑनलाइन क्लासेज, ईच एंड एवरी डे मेकिंग यूट्यूब वीडियोज रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट. अग्रसेन पब्लिक स्कूल में ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी की तरफ ही ध्यान दिया गया. ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ईच एंड एवरी फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया गया, जैसे डांस, पेंटिंग, हर एक एक्टिविटीज पर पूरा ध्यान दिया जाता है. सभी स्टाफ मेंबर्स स्टूडेंट्स की तरफ पूरा ध्यान देता है, डिसिप्लिन के लिए भी, स्टडी के लिए भी. मैं आप सभी स्टाफ मेंबर्स का और प्रिंसिपल मैम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है.
मैं आपको अगरसैन पब्लिक स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगरसैन पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और कोरोना टाइम में वहाँ के टीचरों ने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से टीचरों ने बच्चे को समझाया है और बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ अगरसैन पब्लिक स्कूल के सभी टीचरों को। धन्यवाद।